ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ना छेद, इनके अंदर क्रैब्स हैं। नो 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 नो। भाई ने ऐसा मोड़ा, बोट ऐसे ऊपर थी, मेरा सर बजा फाड़। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस्टैब्लिश्ड 1849। मेरे बाल ऐसे लहरा रहे। बीच में हल्का सा सन आया था, उसका ड्रोन शॉट मैंने डाला है। दोस्तों कल रात में हम इधर सोए थे, बाहर अंदर नहीं सोए थे हम, क्योंकि हवा आप देख सकते हो इतनी प्यारी चलती है यहाँ पे कि बाहर सोने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों तो चले, दोस्तों दोपहर के 1:30 बजे जा रहे हम सारे ब्रेकफास्ट करने, बताइए, सॉरी 2 बजे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं हम, और 5 बजे अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ करने को होता नहीं है, बट वेरी नाइस। हम एक बहुत फेमस कैफे में जा रहे थे कोरोमंडल, लेकिन उसमें 1.5 घंटे तक हमारा नंबर नहीं आता। फिर हम आए जी रॉक बीच पे, उसके सामने एक उडुपी कैफे की, चलो जी इडली सांभर खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, बट यहाँ पे भी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो सिर्फ अपने को चाय नसीब हुई। दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, और वी आर प्लानिंग कि आज वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे, जो कि हमारे स्टे के पास ही है, पैराडाइज बीच है, तो वहाँ हमें वापस जाना पड़ेगा। अब रास्ते से देखते हैं, कुछ उठा लेंगे जी, क्या कर सकते हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा है, बट बहुत ही प्यारी हवा, बहुत ही प्यारा मौसम नसीब हो रहा है, और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही सकते हो जी, रॉक बीच का, चारों तरफ समंदर ही समंदर, ब्यूटीफुल वाइब्स एंड नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ये 25-31 की छुट्टी है। एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। चेक कर यादव दी तो शर्ट, चेक कर यादव दी स्कूटी, चेक कर। We are here at the Paradise Beach backwaters, water activities करने। So दोस्तों एक आपको funny चीज़ बताता हूँ मैं, वहाँ पे अगर आपको अंदर आना है ना, वहाँ से तो कैमरा इज चार्जेबल, बट आप बोर्ड पे कैमरा नहीं लेके जा सकते, तो जो कैमरा चार्ज कर रहे हैं ना, ये बस यहाँ तक आने का कर बिजनेस है, अच्छा बिजनेस आइडिया है। समंदर में नहा के मैं और नमकीन हो गई। ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल व्यू एंड नो टूरिस्ट भीड़, मजा आ गया, सारे गोवा में पड़े हुए इस टाइम पे, पौंडीचेरी खा लिया जी, मजा आ गया। अपने साथ आप बीती बताता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है,
दोस्तों या कमिंग भाई ने ऐसा मोड़ा, बोट ऐसे ऊपर थी 90 डिग्री पे ऊपर थी, उसने मार दिया कट और मैं बैठा था राइट वाले कोने पे, मेरा सर बजा फाड़ पानी में, सारा नमक वाला पानी मेरे नाक आँख मुंह हर जगह, मेरे बाल ऐसे लहरा रहे। वो भी डर गया बोट वाला अंकल, लड़के को बिठा के लहरा। फिर मैंने जल्दी से पहले अपनी कैब ढूंढी, फिर खुद को संभाला, फिर वहां से तैरता हुआ आधे रास्ते में आया, समंदर में चला गया था मैं, मेरे को मिल ही नहीं पा रहे थे ये, और ये इनको मैं नहीं दिख रहा। फिर मुझे एक शार्क दिखी एंड में जाके, मैं उसका वो पकड़ा और मैंने कहा वो वाली बोट के पास छोड़ के आ, वो फिश वाली बोट के पास, फिर जाके मैं जी पहुंच पाया हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। ऐसा लग रहा है यादव जी, जीरा फिश धीरे धीरे गुदी गुदी हो रही है, मजा आ रहा है। एक को पकड़ियो हाथ में, कैसे देगा। यादव जी के नाखून साफ हो रहे हैं, ते तो साफ ही लग रहे हैं भाई पैर, वो इधर उधर ही घूम रही है, कुछ नहीं कर रही पैर का, चिपकी पड़ी है। 6.5 hours later सो अभी हम घूम रहे हैं फ्रेंच कॉलोनी रात में, बिल्कुल रॉक बीच के साथ में ये कॉलोनी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस्टैब्लिश्ड 1849 और वहाँ पे भी बड़ा बड़ा लिखा है, और ये बिल्डिंग भी थोड़ी सीपी जैसी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है हमारे द्वारा कि उस टाइम पे जी यहाँ पे अकाउंटेंट्स बैठते होंगे, मुंशी बैठते होंगे, फ्रेंच लोगों की बुक्स वो लिखते होंगे। तो दोस्तों हमारी किचन में एक बहुत ही अलग किस्म का प्राणी आ गया है। नहीं ये नहीं, ये तो हेलीकॉप्टर है, इसको तो हम जानते हैं। ये ब्रो, हु आर यू, व्हाई आर यू हियर? ऐसे बोलते हैं वो भी अगर अपने परिवार में जाके तेरे बारे में ऐसे बोले हैं? बता मुझे, इसको छोड़ा बाहर। आजा भाई छोड़ा तो आजा। नहीं नहीं आपको मैं अपनी शक्ल अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं ऐसा। अच्छा डेरी मिल्क खिला के इसको, डेरी मिल्क का हम लालच देंगे दोस्तों। या कम ओवर, ट्राई जंप जंप। अब तो चढ़ा दिया तेरे को, अब तो चढ़ना पड़ेगा, नहीं चढ़ेगा वो नहीं है। चल साले चढ़ा जा, वो गुस्सा आ गया है लेकिन तेरी। खोल एक लाइट में दिखा दे, कलर दिखा इसका, वाइन कलर है, रेड एंड व्हाइट। नो 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 नो, तुम लास दोस्त मार दो, खेलो खुदा मारो। क्या मर्जी करो, रात में हम तो जी प्रेस कुंडी लिखा रहे हैं तो अंदर नहीं आ पाओगे। दिस इज द फर्स्ट कुंडी, इज द सेकंड कुंडी, इज द थर्ड, इज द एंड दिस इज द बीच वाली रह गई, एक्चुअली पे ताला है।
हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द पैराडाइज बीच। अपने स्टेज से सिर्फ 2 किलोमीटर था और कल हम पैराडाइज बीच के बैक वाटर्स पर ही वाटर स्पोर्ट्स करने गए थे। वो जगह भी बड़ी सुंदर थी क्योंकि आसपास पूरे ट्रीज थे और वो बीच में से बैक वाटर्स थे जो समंदर में मिल रहे थे, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रही थी। बट वहाँ पे हम अपना कैमरा नहीं लेके जा सकते थे जी। और जब मैं घर आया वहाँ से और मैंने अपना बैग खोला तो मुझे देखा ड्रोन, और तब मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि साले वहाँ तो लेके जाना चाहिए था ड्रोन, वहाँ क्यों नहीं लेके गया, मैं बोट के पीछे पीछे उड़ाना था। बट कोई बात नहीं, वो रिग्रेट को सही करने के लिए सुबह सुबह 6:30 बजे हम आए हैं पैराडाइज बीच पे सनसेट देखने। बट आप देख ही सकते हो बादल हो रखे, तो सनसेट तो हमें देखा नहीं, बीच में हल्का सा सन आया था, उसका ड्रोन शॉट मैंने डाला है। बहुत ही प्यारा रिकॉर्ड हुआ, मैं तो बताऊँ, कोई फिल्म मेकर देख लेना तो वो मुझे डायरेक्टर बना लेगा मेरी फिल्म का। बस इंजॉय हो रहा है जी। और यहाँ पे देखो आपको मैं क्रैब दिखाऊँ, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ना छेद, इनके अंदर क्रैब्स हैं, तो वे देखते ही अंदर घुस जाते हैं। अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और कोई दिखता है तो कोई नहीं, एक बार यादव जी हमें मिल जाएं, फिर उनको पकड़ के दोनों हम खोदेंगे छेद और क्रैब निकालेंगे। वो पता नहीं कहाँ चले गए जी, सैर करते निकले थे। मैंने उनको कल बताया था कि उस साइड जी थाईलैंड पड़ता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा याद आ रही है उनको, तो उसी साइड ही निकल गए हैं वो। समझ रहे हो आप, वो पीछे रिजॉर्ट है, तो दिस मस्ट बी द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दिस मस्ट बी द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। क्या बात बोल दी मैंने यार। एक क्रैब घेर लिया दोस्तों मैंने, ये अपने घर नहीं जा पा रहा है, ये देखिए ये मैंने घेर लिया है तेरी बहन को। तो ये हमें शेल मिला है और काफी भारी है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है, खोलने की कोशिश करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड ईडीएम। कैसे खोल, तो हम 2 दिन से ये वाले भैया से चाय पी रहे हैं, वेरी टेस्टी टी आई एम सेइंग। और भाई इतने दिल से चाय बनाता है ना, Let's go.